सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजे ते गुलाम मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजे ते गुलाम मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजे ते गुलाम फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह फिल्म की फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजे ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजे ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजे ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजे ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को ओटीटी प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजे ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजे ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजे ते गुलाम मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजे ते गुलाम मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजे ते गुलाम फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह फिल्म की फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज रोजिते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर प्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजिते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मज़ेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजिते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपये कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है, तो रोज रोजिते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजिते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजिते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है, तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजिते गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजिते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजिते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजिते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज रोजिते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर प्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी।
बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को ओटीटी प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस।
इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है, और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रारजी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं। प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं। माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं। और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संगरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है, और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है।
प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजी थे गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी थे गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी थे गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी थे गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी थे गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी थे गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी थे गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज रोजी थे गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संखरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी थे गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है।
गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज तक गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी तक गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी तक गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी थे गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी थे गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी थे गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी थे गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी थे गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी थे गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है।
गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए।
अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज़ रोज़ इते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज़ रोज़ इते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज़ रोज़ इते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज़ रोज़ इते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज़ रोज़ इते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज़ रोज़ इते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज़ रोज़ इते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज़ रोज़ इते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज़ रोज़ इते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मज़ेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज़ के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज़ रोज़ इते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज़ रोज़ इते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज़ रोज़ इते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज इतने गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोज इतने गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोज इतने गुलाम मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोज इतने गुलाम मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोज इतने गुलाम फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोज इतने गुलाब 2024 की भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोज इतने गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मज़ेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज इतने गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोज इतने गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज इतने गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोज इतने गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे?
यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज़ रोजे दे गुलाम मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज़ रोजे दे गुलाम मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज़ रोजे दे गुलाम फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रोज़ रोजे ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर प्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संखरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोभ मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजे ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजे ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज़ रोजे ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज़ रोजे ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज़ रोजे ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों, यही है रोज रोजे ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजे ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज़ रोजे दे गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज़ रोजे दे गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है,
यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है? इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजे ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दैया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी दे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजी ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों, यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी,
प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर प्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संखरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मज़ेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजी ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर प्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संखरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने।
इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं। प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं। माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं। और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है।
यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रारजी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रारजी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं।
फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज़ के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर प्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं
और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी दे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी दे गुलाब फिल्म के बारे में तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी दे गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीदियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी दे गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी दे गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर है मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी दे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई।
यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज इते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोज इते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज इते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोज इते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोज इते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोज इते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोज इते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोज इते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोज इते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मज़ेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोज इते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज इते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोज इते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप इस फिल्म को
चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज इतने गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों, यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर प्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है।
तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाम मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाम मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाम मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाम फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संगरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपये कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजी ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं
इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रोज़ रोजिते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रन टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजिते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मज़ेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजिते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है, तो रोज रोजिते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजिते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजिते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है, तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों, यही है रोज रोजिते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दें। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजिते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजिते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजिते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजिते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी,
प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनीर सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनीर सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने।
इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है, और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं। प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं। माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं। और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है, और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है, और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरु जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है, और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है।
यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजी ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स, आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दें। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संखरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं।
फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी थे गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज तक गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी तक गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी तक गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी थे गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी थे गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी द गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी द गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी थे गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संखरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी थे गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं,
और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजीते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज तक गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी तक गुलाब फिल्म के बारे में तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज इतने गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोज इतने गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाम मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाम मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाम फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संखरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक्स जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई।
यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोज ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोज ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4/10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म के राइटर हैं प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, असु मुनी सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताजा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजी ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को
चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोज इतने गुलाब फिल्म को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है। तो दोस्तों, यही है रोज रोजी ते गुलाब मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप रोज रोजी ते गुलाब मूवी को पंजाबी भाषा में देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोज रोजी ते गुलाब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को पंजाबी भाषा में कहाँ देख सकते हैं, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, यह हिट फिल्म है कि फ्लॉप फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रोज रोजी ते गुलाब 2024 के भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके स्टारिंग में नजर आए हैं गुरनाम भुल्लर जी, माही शर्मा जी, प्रांजल दहिया जी और हरबी शर्मा जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनवीर ब्रार जी और इस फिल्म का राइटर है प्रीत संघरेरी जी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं गुरनाम भुल्लर जी ने, मनदीप कुमार जी ने, जसविंदर लहरी जी ने, अशोक मुनि सहानी जी ने और सुविधा सहानी जी ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाया है डैडी बीट्स जी ने, गौरव देव जी ने, कार्तिक देव जी ने, जी गुरी जी ने और बी रैक जी ने। इस फिल्म को एडिट किए हैं रोहित धीमान जी ने। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी से ओमजी ग्रुप और रबाब म्यूजिक प्रोडक्शंस। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लगातार रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्में बना रही है और इस कड़ी में नई सनसनी रोज रोजी ते गुलाब भी शामिल है। यह रोमांटिक कॉमेडी अपनी ताज़ा कहानी और बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत रही है। यह फिल्म गुलाब की कहानी है, जो एक निराश कुंवारा है और अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है। प्यार की तलाश में वह आकर्षण के नियम की ओर मुड़ता है, लेकिन किस्मत एक मजेदार मोड़ लेती है जब वह दो महिलाओं रोज और रोजी के बीच उलझ जाता है। मनवीर ब्रार जी, जिन्हें गुरनाम भुल्लर जी और तानिया जी अभिनीत हिट रोमांटिक फिल्म खेल के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है, इस नए प्रोजेक्ट में अपना खास आकर्षण लेकर आए हैं। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को बेहतरीन तरीके से बुना गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। गुरनाम भुल्लर जी और माही शर्मा जी के बीच की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके किरदारों में गहराई जोड़ती है और उनके प्रेम त्रिकोण को और भी आकर्षण बनाती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कास्ट और उनके किरदार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गुरनाम भुल्लर जी इस फिल्म में गुलाब के किरदार में नजर आए हैं, प्रांजल दहिया जी इस फिल्म में रोज के किरदार में नजर आए हैं, माही शर्मा जी इस फिल्म में रोजी के किरदार में नजर आए हैं और बहुत सारे कलाकार हैं दोस्तों, जो अपने किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और यह एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी है। गुरनाम भुल्लर जी की स्टार पावर और अनूठी कहानी के साथ रोज रोजी ते गुलाब ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म से बड़ी भीड़ खींचने की उम्मीद थी, खासकर ट्रेलर की सफलता और पंजाबी फिल्म प्रेमियों के बढ़ती प्रत्याशा के बाद। फिल्म ने दुनिया भर में 2.6 मिलियन रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन हिट बन गई। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है पंजाबी फैंस के लिए। अगर आपको पंजाबी सिनेमा पसंद है तो रोज रोजी ते गुलाब एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। यह रोमांटिक कॉमेडी शैली पर एक नया मोड़ पेश करती है, जो कि दर्शकों को देखने में बहुत ही मजा आता है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है दोस्तों, मुझे यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बात करें रोज रोजी ते गुलाब फिल्म के बारे में, तो आप इस फिल्म को कहाँ देख सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फिल्म को चौपाल ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। आप इस फिल्म को OTT प्ले प्रीमियम पर भी आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने रोज रोजी ते गुलाब फिल्म को नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं, जाके देखिए, यह बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं यह कितनी लाजवाब फिल्म है।
तो दोस्तों यही है रोज़ रोजी ते गुलाम मूवी के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे? यदि फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दें।